नाम रिया सचान है, मैं CHO हूँ शंकरपुर की। यहाँ पे आज कोविड वैक्सीनेशन होना था लेकिन पंचायत घर ना खुला होने के कारण वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया आज इस गाँव में। यहाँ पे जब भी वैक्सीनेशन होता है पंचायत घर कभी भी नहीं खुलता है। तो क्या प्रधान से बातचीत हुई इस विषय में? हाँ सर भी आए हुए थे वहाँ PSC से, उनकी बात हुई प्रधान से, लेकिन आज का यहाँ का वैक्सीनेशन कैंसिल हो गया है। मैम सूचना तो पूरे गांव में हो गई और हाँ, काफ़ी हमारी आशा ने पूरे गांव में इन्फॉर्मेशन कर दी थी लेकिन यहाँ का प्लान कैंसिल होने के कारण आज किसी को वैक्सीन नहीं लग पाई। तो क्या मैम इसकी शिकायत कहीं ऊपर तक कुछ अधिकारियों तक होगी? अब हमारे डॉक्टर साहब आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या करने आए थे यहाँ? टीकाकरण कराने। तो टीकाकरण हो गया? नहीं। क्यों? बारिश की मौसम, बारिश की वजह से धान नीचे उतरा कर दिया थोड़ा। क्या करने आई थी यहाँ? वैक्सीन लगवाने। लग गई वैक्सीन? क्यों? क्या बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से वैक्सीन नहीं लगेगी? तो अभी आई है कि कई बार आ चुकी? दो बार आ चुकी। बारिश में दो बार आ चुकी, वैक्सीन नहीं। अब क्या बता रहे हैं वैक्सीन कब लगेगी? अगले दिन लगे। इसकी वजह से वैक्सीन हम नहीं ला पाए जी। फिर वैक्सीन जब आई तो यहाँ हम लोग खड़े थे तो पंचायत घर जब कहा कि चलो वहाँ बैठेंगे तो उन्होंने मना कर दिया। किसने? अरे जो वहाँ भैया, हम नहीं जानते कौन है। पंचायत भवन में? हाँ, क्या वो अभी भी खड़े हैं? क्या प्रधान से कोई बातचीत हुई? हाँ तो सर हमारे प्रधान से बात की है, अब फिर उन्होंने कैंसिल करा दिया। कौन आया था यहाँ पर? हमारे सर आए थे। क्या नाम उनका? विकास यादव सर, आरिफ भैया। तो ये कहाँ? सिकंदरपुर में बैठते हैं? हाँ सिकंदरपुर। तो मतलब आज ये जो लोग टीकाकरण कराने आए हैं ये वापस चले जाएंगे बारिश में? जी ऐसा नहीं हो पाया, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये अगर घटना हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी, बहुत गंभीर है। क्योंकि मैं रात में प्रतिदिन मीटिंग करता हूँ जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, CDO जुड़ते हैं और उनसे ये कहा गया है कि सभी गांव पंचायत के प्रधान या अन्य जो भी वर्ग है वो सहयोग करेगा। अगर इसमें किसी ने सहयोग नहीं किया है, टीकाकरण टीम को वापस आना पड़ा है, तो निश्चित रूप से इसमें जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्रवाई की जाएगी।